हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज भी एक नया वीडियो लेके आपके सामने आ गई हूँ। तो वीडियो को लंबा नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है 5 इंडोर प्लांट, उसके बारे में सारा केयर बताऊंगी। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए, ये है डेफेनबेकिया का प्लांट है फ्रेंड्स। ये काफ़ी खूबसूरत होता है और ये गार्डन को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। हमारे गार्डन में तो हमेशा फूल खिलते नहीं हैं, लेकिन इस टाइप के कुछ प्लांट रहा तो हमारा जो गार्डन है हमेशा हरा भरा दिखता है, खूबसूरत दिखता है। तो हम इसे जो है घर के अंदर लगा सकते हैं इजीली, और इसका बहुत ज़्यादा केयर नहीं लेना होता है। इसका जो मिट्टी हम लेना है फ्रेंड्स, विल्डन लेना है, और साल में जो एक बार है इसमें खाद डाल देना है मिट्टी का गुड़ाई करके, और हमेशा ख्याल रखना है जब पानी ज़रूरत हो तभी देना है। इसके एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत नहीं है, मिट्टी जो है ज़्यादा गीला नहीं रहे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब सूख जाए तभी डालिएगा। और एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ इस प्लांट के बारे में, ये थोड़ा जहरीला है तो ख्याल रखिएगा। अगर छोटा बच्चा या फिर पेट्स है घर में, थोड़ा दूर रखिएगा उनसे। और उसके बाद है नेक्स्ट ये फाइकस का प्लांट, जो काफ़ी सुंदर होता है दिखने में। प्लास्टिक के जैसे पत्ते इसके दिख रहे होंगे आपको, लेकिन है ये रियल, और ये इंडोर में काफ़ी अच्छा दिखता है। एक ऑर्नामेंटल प्लांट है ये, और इसका भी सेम मिट्टी जो है भुरभुरा मिट्टी लेना है, और साथ ही में पानी जब मिट्टी सूख जाए तभी डालना है पानी मिट्टी में, और खाद जो है साल में एक बार, 6 महीने में एक बार हल्का सा गुड़ाई करके हम डाल सकते हैं। और इसका जो है इसी तरीके से इजी टू मेंटेन है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे इंडोर रख सकते हैं। इंडोर का मतलब ये है फ्रेंड्स, कभी भी हम जहाँ भी रख रहे प्लांट को, थोड़ा बहुत छनी हुई धूप आए। मैं तो सब गार्डन में रखती हूँ क्योंकि ये सेमी शेड में रह लेता है अच्छे से, इसीलिए। और ये जो है थर्ड वाला, ये है स्नेक प्लांट। इसमें भी काफ़ी सारे वैरायटीज आते हैं, और ये जो है सेंसेवेरिया का है। और ये देखिए, मैं छोटा सा एक लगाई थी पब, और वो पब जो है बड़ा होके आज यहाँ से भी निकल गया है, इधर साइड से भी निकला हुआ है। देखिए इसके शूट्स जो है ना यहाँ वहाँ से निकल जाते हैं, और ये ग्रो बैग में लगाई थी, काफ़ी प्यारा लग रहा है। ये देखिए, इधर से भी एक निकला और इधर से भी एक निकला। तो ये भी काफ़ी इजी टू मेंटेन है, अपने घर के अंदर हम लगा सकते हैं। और इसका जो है मिट्टी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, चिपचिपा मिट्टी ना हो, भुरभुरा मिट्टी हो, उस हिसाब से आप इसे देखभाल करिएगा। पानी जब मिट्टी सूख जाए तभी डालिएगा। और ये जो है फ्रेंड्स, ये सिंगोनियम है। सिंगोनियम में भी काफ़ी सारे वैरायटीज आने लगे हैं अभी, और ये जो है आप देख पा रहे काफ़ी बड़े हो गए, ये इस टाइप से बेल निकल रहा है इसके। और मैं जब लाई थी मुझे आइडिया नहीं था कि कौन सा वैरायटी है ये, लेकिन है ये सिंगोनियम। तो ये काफ़ी खूबसूरत है, इसके भी पत्ते, और इसको बिल्कुल से धूप नहीं चाहिए, इसे सेमी शेड ही चाहिए। थोड़ा भी इसमें अगर धूप डायरेक्ट सनलाइट गिरता है तो ये जलने लगते हैं इस टाइप से, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसे हम सेमी शेड में अच्छे से ग्रो करता है। और इसका भी मिट्टी जो है आप ज़्यादा रेत का हिस्सा ज़्यादा डालना है इसके मिट्टी में, और पानी ड्रेन आउट हो गए उस टाइप का मिट्टी बनाना है हमें। और जो है जब सूख जाए ना मिट्टी तभी डालिएगा पानी, उस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप अपने हिसाब से इसको मेंटेन कर सकते हैं। ये भी इंडोर प्लांट है फ्रेंड्स। और ये है मनी प्लांट, इसे गोल्डन पेथस भी कहते हैं। ये मनी प्लांट भी इंडोर प्लांट है और बहुत खूबसूरत प्लांट है ये, और वास्तु के हिसाब से काफ़ी सारे लोग जो है इसे इंडोर में ही रखते हैं। और ये पानी में भी काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। हम इसकी कटिंग जो है पानी में अगर रखें ना तो काफ़ी बढ़िया से बढ़ता है और बहुत सुंदर दिखता है ये। तो आप इसे भी जो मिट्टी लीजिएगा, ये अच्छे से भी कैसे भी मिट्टी ले लीजिए आप, जैसे भुरभुरा मिट्टी हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। कोई भी पौधे के हिसाब से हमें मिट्टी लेना होता है कभी भी, तो इसका जो मिट्टी है भुरभुरा मिट्टी ले लीजिएगा, और ज़्यादा पानी डालिए क्योंकि ये सड़ता बहुत जल्दी है इसके रूट्स। तो पानी तभी डालना है जब सूख जाए मिट्टी, इस चीज़ को ध्यान में रखते आप इसको भी इंडोर में लगा सकते हैं और अपने घर को काफ़ी खूबसूरत बना सकते हैं और अपने गार्डन को भी। और इस तरीके से जो फ्रेंड है, ये 5 प्लांट रहा, ये मनी प्लांट, ये सिंगोनियम, ये फाइकस, ये स्नेक प्लांट, और ये डेफेनबेकिया। इस टाइप से जो 5 प्लांट है, ये एक टाइप का इंडोर प्लांट ही है और ऑर्नामेंटल प्लांट भी है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं।
आगे फिर से अच्छा वीडियो लेके आऊंगी इसी तरीके का। तो आप अपना प्यार ऐसे ही बना के रखिएगा और मेरा जो वीडियो है बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। जो मेरे नए दोस्त हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।